अस्सलामुअलैकुम, वेलकम माय यूट्यूब फैमिली। वेलकम है आप लोग को मेरे न्यू ब्लॉग में। और तैमूर नहा लिया है। वालेकुम सलाम, कुछ बोलो तैमूर। का बोलू, काम करे हो ना? काम। वालेकुम सलाम। और मैं तो रही हूँ पालक भाजी। आज मैं बनाऊंगी पालक भाजी। पालक भाजी नहीं खाते हो? तो क्या खाते हो? आलू सब्जी। आलू सब्जी तो रोज रोज आलू सब्जी बनाएंगे। हाँ। इसको आलू ही पसंद है, इसलिए आलू सब्जी ही बोलता है ना तैमूर। हाँ। और तैमूर नहा लिया है, नाश्ता भी कर लिया है ना तैमूर। हाँ। क्या खाया हो नाश्ता में बता दो। गुलने आप तो बोले नाश्ता कर लिया हूँ, फिर बोले कुछ नहीं खाया हूँ। बताओ ना, आलू पराठा खाया हूँ। क्या खाया हो? आलू बाटा नहीं, आलू पराठा। हाँ, आलू पराठा। हम लोग का नाश्ता हो चुका है, अब हम लोग सब्जी काट रहे हैं। तैमूर टीवी देख रहा था लेकिन अभी बंद करके आया है ना तैमूर। कितना बदमाश लड़का है, है? माही की मम्मी आए थे, टीवी देख रहा था तो मैं ही बंद करी थी, क्योंकि वो पोछा लगा था ना तो ये इसके साथ खेल रहा था बलून के साथ, इसलिए मैं बंद कर दी। अब टीवी देखे नहीं वो अभी? अब सुबह से कार्टून कौन देख रहा था? कौन देख रहा था कार्टून? नहीं। चलो फिर इसको काट लेती हूँ, पालक भाजी को फिर बनाते हैं पालक भाजी। नहीं। हाँ बोलो। भूख लग रही है। फिर से भूख लग रहा है? हाँ। क्या खाओगे आप? पालक। पालक भाजी बना तो नहीं पालक भाजी? अबू तो अच्छा लगता है पालक भाजी। अबू को अच्छा लगता है पालक भाजी, आपको अच्छा नहीं लगता है? नहीं। क्यों अच्छा नहीं लगता? क्यों अच्छा नहीं लगता है? मेरे दांत में फंस जाता है। आपके दांत में फंस जाता है? ठीक है भैया। तो मैं पालक भाजी काट ली हूँ, अब मैं बना लेती हूँ सब्जी। पालक भाजी की बहुत सिंपल तरीके से बनाऊंगी, मसाले में भी बनाती हूँ लेकिन आज मैं बहुत सिंपल तरीके से बनाऊंगी। हरी मिर्ची डाल के मसाला वाला नहीं बना रही हूँ, तो फिर मैं कैसे बनाती हूँ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। चलो बनाते हैं पालक भाजी और आलू की। पालक भाजी मैं इसे अच्छे से देख के कट कर ली हूँ, और यहाँ मैं हरा मिर्ची काटी हूँ, ये 8 से 10 है, और एक प्याज काटी हूँ। लहसुन मैं बारीक ऐसे कट कर ली हूँ, और थोड़ा सा आलू है, ज़्यादा आलू नहीं डाल रही हूँ मैं, और ये 5 बड़े टमाटर। और मैं कढ़ाई चढ़ा चुकी हूँ, उसमें ऑयल भी डाल दी हूँ, ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे लहसुन। अब मैं इसमें डाल रही हूँ लहसुन। अब लहसुन लाल हो जाएगा, फिर हम इसमें डालेंगे प्याज और हरी मिर्ची। और ये लहसुन लाल हो चुका, अब हम डालेंगे इसमें प्याज और हरी मिर्ची। अब इसे भी अच्छे से लाल कर लेना है। और प्याज और हरा मिर्ची का कलर लाल हो चुका है, अब इसमें हम डालेंगे पालक भाजी। मैं इसे अच्छे से धो ली हूँ पालक भाजी को, अब इसमें हम डालेंगे पालक भाजी। इसे अच्छे से ऊपर नीचे करके मिक्स करना है। ये अच्छे से मिक्स हो चुका है, और भी पालक भाजी है उसे भी मैं क्लीन कर लेती हूँ और इसमें मिला लेती हूँ। ये मैं पूरा पालक भाजी इसमें डाल दी, अभी आलू नहीं डालूँगी क्योंकि पालक में बहुत ही ज़्यादा पानी निकलता है। अब हम इसमें डालेंगे नमक, आप अपने स्वाद के रिकॉर्डिंग डाल सकते हो। और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेना है ऊपर नीचे करके, और इसमें काफ़ी पानी निकलता है पालक में।
जब अच्छे से पानी निकलने लग जाएगा तब मैं इसमें डालूंगी टमाटर। अभी मैं इतने पानी निकले हैं, अब इसे हम ढक के 2 मिनट पकाएंगे। और ये पालक भाजी भी देख सकते हो आप लोग, बहुत ही ज़्यादा पानी छूटा है। पालक भाजी में कुछ ज़्यादा ही पानी निकलता है अभी। अब इसमें हम डालेंगे टमाटर। आलू अभी नहीं डालें क्योंकि आलू पानी बहुत ज़्यादा है, आलू जल्दी गल जाते हैं। इसी समय हम डालेंगे टमाटर, ऐसे भी अच्छे से मिक्स कर लेना है। और पानी जब थोड़ा बचेगा तब मैं आलू डालूंगी। अभी से अगर डाल दूंगी तो आलू तो पूरा गल जाएगा पानी, क्योंकि बहुत ज़्यादा है। अब इसे हम फिर से ढक के पकाएंगे। टमाटर अच्छे से पक चुका है और पानी भी अभी बहुत ज़्यादा है पानी। टमाटर अच्छे से हो चुका है, थोड़ा पानी और कम हो जाए फिर आलू को डालूंगी, बहुत पानी है। थोड़ा पानी कम हुआ है, अब हम इसमें डालेंगे आलू। और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इतना पानी है कि आलू भी अच्छे से गल जाएगा, अगर पहले डालते तो आलू पूरा टूट जाता। अब इसे फिर 5 मिनट के लिए ढक के पकाएंगे। अभी भी आप लोग देख सकते हो कितना पानी है पालक भाजी में, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा निकलता है। और अगर आलू मैं पहले डाल देती तो आलू पूरा टूट जाता, बहुत ज़्यादा गल जाता। वो अभी आ रहे हैं नए आलू तो वो जल्दी गल जाते हैं, और अभी भी बहुत ज़्यादा पानी है। और पालक भाजी में पानी निकलते ही है, कोई सा भी भाजी हो, लाल भाजी पालक भाजी, उसमें पानी ज़्यादा ही रहता है। और ये बहुत सिंपल तरीके से बनाई हूँ मैं इसे मसाले में भी बनाती हूँ, लेकिन मुक्कू को ऐसा ही पसंद है सिंपल वाला। अब थोड़ा पानी और कम हो जाए फिर उसके बाद मैं इसे बंद कर दूँगी। अभी भी आप लोग देख सकते हो काफ़ी पानी है, तो थोड़ा सूख जाए फिर इसे मैं बंद कर दूँगी। अब इसे सिर्फ 2 मिनट के लिए मैं ढक के पकाऊँगी। अभी भी थोड़ा पानी है, लेकिन ज़्यादा सूखा नहीं करना है, इतना ही पर रखना है, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये अच्छे से हो जाएगा। ज़्यादा सूखा भी कर सकते हो, लेकिन मेरे को इतने ही पन ठीक लगता है। और मैं इधर बना रही हूँ अंडा का भुजिया। ये टमाटर और प्याज और हरी मिर्ची से बना रही हूँ, इसको मैं नहीं दिखा पाई थी आप लोगों को क्योंकि मैं साथ ही साथ बना रही थी, ज़्यादा नहीं बना रही थी, थोड़ा सा ही बनाई हूँ मैं अंडा भुजिया। तो ये भी हो रहा है और ये भी बहुत टेस्टी लगता है। ये टमाटर प्याज और हरा मिर्ची में ही बनता है, और एक प्याज और सूखा मिर्ची का भी बनाती हूँ मैं, लेकिन ये टमाटर वाला है। और पालक भाजी हो चुका, अंडा भुजिया भी बन चुका, और आप लोगों को पालक भाजी दिखाती हूँ ठंडा होने के बाद। ठंडा होने के बाद इसका पानी थोड़ा गाढ़ा हो जाता है। और अब हम लोग खाना वाना खा लिए हैं, अब देख रहे हैं टीवी, और बच्चे लोग सब आ चुके हैं स्कूल से, मुक्कू सिफा और सैडी लोग सैडी देख रहे हैं अभी। और मेरे जी गए हैं वाले घर,
अभी जस्ट निकले हैं वो। अरे मुक्कू सिफा, मुक्कू बहुत शर्माती है, बहुत कम ही आती है वीडियो में। और ये सिफा का बेटा एंजल, सिफा उसको बहुत ज़्यादा पसंद करती है और सिफा का ही साथ रात को सोता है वो, उसको सिफा के बिना नींद नहीं आता है। अब हम लोग इसी समय हम लोग थोड़ा देर बच्चे लोग के साथ मिलके मैं टीवी देख लेती हूँ, फिर 4 बजे का फिर ऊपर जाने का वक्त हो जाएगा। ऊपर बकरी लोगों को दाना देना पड़ता है और मेरे ये जी भी आ जाएंगे जब तक। और एंजल, एंजल एंजल और अच्छे से अपना नाम जानता है, माऊ बोल रहा है इसको बोल रही हूँ मैं एंजल, तो माऊ बोल रहा है और अच्छे से अपना नाम जानता है ना, एंजल है। और इस मुक्कू को देखो लेट के ये देख रही है सियाडी। और सिफा चले गई है रूम में, सिफा को खोज रहा है। अब मैं जा रही हूँ ऊपर और ये मैं आ गई ऊपर, मैं सिफा और यहाँ बकरियों को दे दी है दाना। और ये जो बोरा आप लोग देख रहे हो, अभी ठंड है तो पूरे रूम में बकरियों के पूरा बोरा बिछाते हैं और वो लोग बोरा में ही बैठते हैं और यहाँ बोरा का ही पर्दा लगाया है ठंड मत जाए। वैसे इतना ठंड यहाँ नहीं है लेकिन तो भी से अभी बच्चे लोग हैं छोटे छोटे, तो इसलिए पूरे रूम में बिछाते हैं बोरा और सुबह उसे धोते हैं और फिर उसके बाद फिर शाम को बिछाते हैं। और जहाँ जानवर रहेंगे वहाँ थोड़ा बहुत तो गंदा रहेगा, आप लोग समझ सकते हो। और तैमूर चला रहा है साइकिल, तैमूर इस समय, और तैमूर रो जाता है इस समय और साइकिल चलाता है। और इन लोग बच्चे यानी बकरियों के बच्चे लोग या बड़े बकरी लोग इसको कुछ भी नहीं करते हैं ना। और माशाल्लाह सब बड़े बड़े बकरी हैं और तैमूर को कुछ भी नहीं करते हैं। और अभी 2 बच्चे हैं हमारे यहाँ, बाकी बच्चे सब बिक चुके हैं। अभी काफ़ी जानवर कम हो गए हैं, पहले बहुत ज़्यादा थे, अभी बहुत सारे जानवर बेच चुके हैं हम लोग। और मेरा छोटा सा गार्डन आप लोगों को दिख रहा होगा, जाली के अंदर बहुत सारे गुलाब उगे हैं उसमें। और इसको लूसी को देखो, जब हम लोग ऊपर आएंगे तो ऊपर आ जाती है, नीचे जाएंगे तो नीचे चल देगी। और सिफा का अब कोचिंग का हो रहा है टाइम, वो जा रही है नीचे। हम लोग आ गए ऊपर से बकरी बंद करके और तैमूर जूता पहन के है रेडी, क्योंकि इसको जाना है नानी के घर। हाँ तैमूर, कहाँ जाओगी? इसको रोज शाम को जाना रहता है नानी के घर, जबकि अभी कुछ काम नहीं हुआ है मेरा, नीचे का काम अभी बचा है। अभी कवर्ड में पूरा बर्तन लोग को जमाना है, किचन का है पूरा हाल अभी। और मुक्कू सिफा देख रहे हैं टीवी, उसके बाद करेंगे होमवर्क, फिर आपा जान भी आ जाएंगे। तैमूर चले चले, एक बार में रेडी है तैमूर, एक बार में रहता है रेडी इसको। और सामने में कोई ख़त्म हो गया था ना हमारे यहाँ घर के जस्ट सामने में, उन लोग का है कल काम और आज उन लोग का लग रहा है डेट, तो इसीलिए थोड़ा ज़्यादा हल्ला है। लगा है टेंट और मेरा मेहंदी छूट चुका और इसका कलर देख सकते हो अभी भी छूटने के बाद। इसको मेरे को यानी 5 दिन हो गया लगाए और 5 दिन में इसका कलर पूरा डाउन हो गया। तो मैं जा रही हूँ अपनी अम्मी घर, फिर अम्मी घर थोड़ी देर बैठूंगी 15-20 मिनट,
फिर आऊँगी, फिर खाना वाना बनाऊँगी और सीफा मुक्कू जब तक कवर्ड में बर्तन पूरा जमा के रखेंगे, फिर मैं आके खाना बनाऊँगी। और जो सुबह बनाई थी पालक की सब्ज़ी वो भी रखाया है, अब देखती हूँ क्या बनाती हूँ, फिर आके ही बनाऊँगी। अब मैं अपने इतने समय तैमू को थोड़ी देर घुमाने के लिए अपनी अम्मी के घर लेके जाती हूँ, तो फिर मैं जाती हूँ फिर मिलती हूँ आपसे। जस्ट आई अम्मा घर से, फिर आज जुमेरात था तो फिर आज फातिया आपा जान फातिया दिए हैं और रोटी बनाने लगी, और मैं बना रही हूँ सब्जी में सुबह का जो मैं बनाई थी पालक आलू, उसका भी सब्जी रखाया है। और ना कल मेरे जी लेके आए थे होटल से खीमा कलेजी, वो भी रखाया था, इसलिए आज सब्जी नहीं बना रही हूँ, उसी में खाई। और सीफा मुकू उन लोगों को खाना पराठा, उन लोगों के लिए बनाऊँगी पराठा। तो मैं यहाँ तवा चढ़ा चुकी हूँ और यहाँ रोटी बनाने का पूरा तैयारी कर चुकी हूँ, और तंदूर हॉल में है और मुक्कू सीफा कर रहे हैं पढ़ाई, अपने कॉफ़ी कंप्लीट कर रहे हैं। और तैमूर कहाँ, क्या कर रहे हो, कहाँ है तैमूर? और इन लोग कर रहे हैं पढ़ाई। तैमूर कहाँ है तैमूर? कौन से कमरे में हो? और तैमूर पूरा एक कम्बल उम्बल निकाल के एक खेल रहा है, क्या खेल रहा है तैमूर? और उसको बहुत जल्दी गुस्सा आ जा रहा है आजकल। होड़ के सो रहे हो? और पूरा चादर बेड का हाल कर दिया है तैमूर, ऐसा है ना तैमूर? इधर आके चलो काम कर दो, आओ जल्दी, आओ आओ मेरे पास, आओ जल्दी, आओ ना, एक चीज दिखाऊंगी, आओ इधर आओ ना, एक चीज दिखा दी जल्दी जल्दी। अभी तैमूर है गुस्सा, तैमूर है गुस्सा आज। तो मैं बना लेती हूँ रोटी और पराठा, और अब वीडियो अगर कंटिन्यू करूँगी तो हो जाएगा बहुत लंबा। तो यही था मेरा आज का वीडियो, अगर आप लोग को पसंद आया तो लाइक कमेंट जरूर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। खुदा हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।